अखिल विश्व गायत्री परिवार का रचनात्मक केंद्र गायत्री धाम एबी रोड सेंधवा। विगत 19 वर्षों से गायत्री धाम सेंधवा में शरद उत्सव का कार्यक्रम संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं का आगमन होता है। इस वर्ष सौभाग्य हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय जी, उनकी धर्म पत्नी बहन शेफाली दीदी का आगमन 5 अक्टूबर गुरुवार 2017 के पुनीत बेला में शरद उत्सव के अमृत किरणों का पावन अवसर पर आप सब लोग हम करें राष्ट्र आराधना, सफल दाम्पत्य जीवन, सुखी परिवार के सूत्रों पर आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। गायत्री धाम प्रकृति की एक ऐसी गोद में बसा हुआ है जहाँ पर वर्ष में एक बार आने के लिए लोग लालायित रहते हैं। चंद्रमा की 16 कलाओं के महाराज का गुरुकुल बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से ऋषियों का संदेश, कामधेनु गौ माताओं की सप्त प्रदक्षिणा, यहाँ की दिव्य जड़ी बूटियों को निमंत्रण देकर के गौ माता के दूध की खीर का अमृत प्रसाद एवं श्वास दमा कप खांसी के लिए कई ऐसे भाई बहन मिलते हैं जो वर्ष में एक बार शरद पूर्णिमा पर औषधि पान करते हैं। 21 दिन की दवा यहाँ से उन्हें निःशुल्क ग्रहण करने के लिए दी जाती है और इससे सांस दमा, ब्रोंकाइटिस, नजला जुखाम ठीक होता है। आप सब लोग सब परिवार पधारेंगे। भगवान योगीराज श्री कृष्ण महाराज की 16 कलाओं के शक्तियों को अमृत किरणों के रूप में इस सृष्टि के ऊपर वो वर्षा करते हैं। वैसे वर्ष भर विभिन्न प्रकार की ऋतुओं का अलग अलग प्रभाव होता है, लेकिन शरद ऋतु का प्रभाव, क्योंकि यहाँ से ओस की बूंदें प्रारंभ होती है और ओस सच में अमृत है, इसीलिए कार्तिक स्नान, सूर्योदय के पूर्व का स्नान, सूर्य उदय के और सूर्य अस्त के बीच में जो जड़ी बूटियाँ सूर्य की किरणों को पान करती है उन्हें चंद्रमा अपने औषधि अमृत तत्वों से सिद्ध करते हैं। इसी समय औषधियों का कल्प भी किया जाता है। हम लोग हर साल शरद पूर्णिमा पर्व पर जिन दिव्य औषधियों को मार्ग शीर्ष की अष्टमी नवमी को निमंत्रण देकर के पूजन करके लाते हैं और उन्हीं का क्वाथ बना करके आप सबको स्वस्थ जीवन के लिए और दीर्घ स्वास्थ्य के लिए प्रदान करते हैं। आप सबकी प्रतीक्षा में कामधेनु गौ माता सुरभि अपने आशीष का आंचल फैलाए हुए और अंतरिक्ष देवता चंद्रमा की 16 कलाओं में, और वैसे भी वर्ष में एक बार जहाँ पे अधिक पलाश के वृक्ष हो, ऐसे झरने चल रहे हों, सरोवर भरे हों, कामधेनु गौ माताएँ, जहाँ पंछी लहलाते हों, जहाँ सप्त ऋषियों का एक सुंदर अरण्य बना है जिसका विधिवत अनावरण कार्यक्रम होगा, ऐसे सुंदर वातावरण में आपका आगमन हो और नई प्रेरणा यहाँ से आप लेकर के जाएं। इन्हीं मंगल कामनाओं का भाव भरा आमंत्रण आप सपरिवार स्वीकार करें।